हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम आमलेट। तो हम बनाएंगे बेस आमलेट, एग आमलेट हमें नहीं बनानी, हमें बनानी बेस आमलेट। तो फटाफट चलते हैं किचन की तरफ, वो करते हैं उसकी तैयारी। तो हमने लिए हैं टमाटर और गोभी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया महीन, और मैंने लिए पत्ता गोभी और अदरक है, और दो हरी मिर्च मैंने काट के रखी हैं, और मैंने हरा धनिया लिया है उसे बारीक काट लिया है, और मैंने एक कटोरी चावल ली, उनको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था, और देखिए चावल भीग चुके हैं तो उनको मैंने निकाल लिया है, और अब इनको हम मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड करेंगे, उन्हें बारीक पीसेंगे। तो देखिए मैंने इस मिक्सी ग्राइंड में इसको डाल लिया है, चावल को पलट लिया, और उसके बाद हम डालेंगे दही। तो दही है ना, हमें बिल्कुल फ्रेश दही लेना है, खट्टा दही हमें बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखिए हमने 2 बड़ी चम्मच है ना इसमें दही डाल लिया है। दही आपके घर अगर नहीं हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए ना पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अगर आपका पेस्ट है अगर पतला नहीं हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और पेस्ट को चावल हमें बिल्कुल धीरे धीरे करके पीसना है। तो चावल महीन भी हमें पीसना है, देखिए तो हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल, जो मैंने पत्ता गोभी है ना कट की थी वो डाल दी है, और उसमें डाला मैंने फूल गोभी, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और टमाटर, टमाटर मैंने स्क्वायर शेप में काट लिए थे 2 टमाटर, उसके बीज है ना निकाल दिए थे, आपको बीज निकालना है इसके, और मैंने इसको इसमें डाला है बड़ा प्याज एक महीन कट करके, और मैंने लिए हरे धनिया वो भी मैंने इसमें डाल लिए। तो आप और जो वेजिटेबल खाना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे अदरक, अदरक मैंने ना ज़्यादा काट ली तो हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे, और मैंने हरी मिर्च भी थोड़ी बचा के रखेंगे, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। तो देखिए हम अब इस पेस्ट को बनाकर तैयार करते हैं, और इसमें डालेंगे नमक। अब मसाले की बारी आ गई है, तो मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, और 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच मैंने लगभग धनिया पाउडर डाला है, और इसमें डालेंगे हम अब चाट मसाला। तो चाट मसाला है ना बाकी रह गया है, तो 1 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं। तो सारी चीज़ इसमें पड़ चुकी हैं, तो हम इसको मिक्स करेंगे, सारी वेजिटेबल जो मैंने डाली वेजिटेबल्स उनको मिक्स कर लेंगे, इसी तरीके अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो चुका, तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें इनो, तो इनो हमें डालना है, तो आप इनो नहीं अगर आपके पास है तो आप मीठा सोडा आता है जो घर पर सभी के मिल जाता है आसानी से, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने 1/2 चम्मच इनो डाला है, और 1/2 चम्मच मैंने जो बचा था उसमें बाकी उसे मैंने रख दिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच पानी डालकर इसे इनो को फुला देते हैं, और इसमें मुझे हल्के चम्मच से इसे सिर्फ मिक्स करना है, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना क्योंकि इनो का असर है ना ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इनो मिलाकर हमें फटाफट इसके ना, तो हमें इसकी आमलेट बनानी है। तो आमलेट बनाने के लिए हम पैन को गर्म करेंगे पहले, तो पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं इसमें, तो पैन है ना गर्म हो चुका है। अब नॉनस्टिक तवा अगर लेते हैं तो आप उस पर ऑयल ना लगाएं तब भी चलेगा, तो हमने थोड़ा सा फिर भी लगा लिया है। तो देखिए इसको इस तरीके से हम आमलेट को बनाते हैं, तो मैंने इसको तवे पे देखो सेट कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से सेट करना है इसमें गोल शेप आ जाए। तो देखिए गोल बिल्कुल बन चुकी है पराठा जैसा, और इस तरीके से इसको हम थोड़े पकने के लिए मीडियम गैस पर रखेंगे। तो देखिए ना कितना अच्छा इसका जो पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा सिक चुका है एक तरफ, तो इसको पलटेंगे, तो पलटने से पहले पहले हम दूसरा और लगा देते हैं इस पर, दूसरा वाला हम बनाएंगे चीला। देखिए तो दूसरा वाला आमलेट चीला बनाते हैं हम इसमें, तो एक बन गया इसको मैंने साइड से कर दिया, और दूसरा वाला भी बनाकर तैयार करते हैं इसी तरीके से सेम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इसको हम चम्मच से ना बिल्कुल गोल शेप में कर देते हैं, जिससे गोल शेप में है आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, तो हमें गोल शेप ज़्यादा पसंद है तो हम गोल शेप में बना रहे हैं। तो देखिए सेक चुके हैं, और इसे सेकने के बाद हम इसे पलटेंगे जब तक ये ऊपर से अच्छी तरीके से ना सिक जाएँ, तो जब तक उन्हें पलटेंगे नहीं। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा देते हैं, अब देखिए ना बिल्कुल सिक चुके हैं, तो इसको पलट भी देते हैं। देखिए ना वाओ कितना अच्छा कलर आया इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में कलर, टमाटर प्याज और गोभी पत्ता गोभी धनिया वगैरह
इसमें कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आप है ना इस तरीके से बिल्कुल बनाइए अपने घर। इतना ही आप वेजिटेबल तो चेंज कर सकते हैं, बाद बाकी इतना ही मसाला सब पड़ेगा। तो देखिए ना कितना अच्छा सीख रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो इसको भी हम पलट देंगे। तो देखिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सुबह का बहुत ही फास्ट नाश्ता है। तो आप इसको बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं। तो इन्हें बिल्कुल परफेक्ट पकने के लिए हम रखेंगे, वो चावल का आटा है तो इसे थोड़ा पकाना है तो पड़ेगा ही। तो देखिए हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, लग भी रहा है, पक चुके हैं। देखिए ना कितना अच्छा कलर आया है इसमें, ऐसा लग रहा है पनीर वगैरह सब कुछ इसमें पड़ा हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और अच्छे सिकेंगे भी बढ़िया है। तो बिल्कुल हमें मीडियम गैस पर इसे सेकना है। तो देखिए ना कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, हम तो अपने सुबह जो अपने घर पर नाश्ता ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए ना हम प्लेट में इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी का पेस्ट बचा है उससे भी इसी तरीके से हम इसे आमलेट बनाकर तैयार करेंगे। वेजिटेबल आमलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप आमलेट भी कह सकते हैं इसे, पराठा या चीला भी, जो आप इसे नाम देना चाहें आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो देखिए ना इसको हमने बड़ा बनाया और तवे पे जो कम जगह बची थी ना तो मैंने और भी उस पर दूसरा वाला लगा दिया है। तो सुबह का बहुत ही फास्ट नाश्ता बनने वाला है। तो देखिए इसको भी हम ढक्कन लगा कर रख देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट और 5-2-4 मिनट और मतलब 8-10 मिनट लगते हैं और बना फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। देखिए सिक चुका है क्योंकि इसका जो थोड़ा सा गीलापन था ना वो सूख चुका है। और इसको पलट देते हैं तो आप देख सकते हैं चावल का है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, करारा करारा सा। तो देखिए बनकर सारे पैन जो मैंने बनाए थे ना चीले तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चीला कह सकते हैं, आमलेट है तो आमलेट भी हम कहते हैं इसको। तो आमलेट बनकर है ना तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। टमाटर का देखो कलर कितना अच्छा है, टमाटर है लाल लाल और हरा मिर्च धनिया है, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। आप अपने घर पर कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए ज़रूर। और मेरे जो बने हैं चीला वेजिटेबल चीले बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनसे खाने से ना फटाफट दो अगर आप खा लोगे ना तो आपका पेट है ना पूरे दिन के लिए भर जाएगा, लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा आपका, आप खाते ही चले जाओगे। इतने सारे इतने अच्छे लगते हैं। तो देखिए ना हमने बनाकर तैयार कर लिए और वेजिटेबल है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होती है, पौष्टिक होती है। तो हम वेजिटेबल भी इसी बहाने हमारे पेट में चली जाते हैं और पौष्टिक जो बनती है चीज़। तो देखिए ना इस तरीके से आप बनाइए, हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं इसको। तो देखिए ना तोड़कर दिखाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गरम गरम जब हम इसे टमाटो केचप के साथ खाएंगे ना या हरी धनिया की चटनी के साथ आप खाइए, सर्दियों में ना ऐसा इजी नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ना ऑयल ज़्यादा है ना ही कुछ और वेजिटेबल्स इसमें पड़ी और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप अपने घर पर इस तरीके से चीले ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बताइए ज़रूर कैसे बने। तो कैसा लगा आप सभी को हमारे वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और आपको कोई भी रेसिपी बनवानी हो तो आप उस रेसिपी को कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसको बनाकर दिखाएंगे। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए, तभी तो सारी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचेंगी। तो चलते हैं और मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए है।